तो मैडम ने क्या क्या कहा आप कोर्ट में बात कर रहे थे? यही कहा कि सब सब्र कीजिए, मैं जैसे बाहर आ जाऊंगी आप लोगों के पैसे जो है रिटर्न कर दूंगी, और जो डेट पे मैंने बोली उस डेट पे मैं रिटर्न कर दूंगी इंशाल्लाह। सब्र करिए और दुआ कीजिए मेरे लिए। ओके, मैडम ने एक बात कही थी कि वो अगर चाहती तो भाग भी सकती थी देश छोड़कर। बहुत जनों ने सलाह दी थी कि आपके ऊपर FIR हो रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आप एक काम कीजिए इंडिया छोड़ के चले जाइए बाहर, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे मतलब जो भी होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भाग जाना होता तो मैं कब से भाग जाती, आज मैं 10 सालों से इन्वेस्टरों को उनका रिटर्न दे रही हूँ प्रॉपरली, मंथली ईयरली जो भी है उनका मैं उनको रिटर्न दे रही हूँ। मुझे अगर भागना होता मैं कभी भाग जाती। ये कुछ बैंक के लिमिटेशन आए हैं, बैंक के विड्रॉल लिमिटेशन आए हैं, उसके वजह से मैं अभी आपको रिटर्न नहीं दे सकती। मैं जैसे बाहर आऊँगी वैसे आपका रिटर्न देना शुरू कर। और एक डेट कोर्ट ने 13th कही है, 13th नवंबर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 13th नवंबर क्या डेट? 13th नवंबर अपने के लिए नहीं है, वो ABA के लिए, वो ABA के ऑर्डर के लिए डेट दिया जो उसमें दूसरे आरोपी हैं आपा को जो डेट दिया जो उनके लिए दिए हैं 13 नवंबर आपा के लिए 8 नवंबर। आपको लगता क्या है 8 नवंबर में फिर से हियरिंग होगी? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एडवोकेट कोशिश करेंगे जैसी हो जाए। मुंबई में तो यार दिवाली की छुट्टी है, मुंबई में तो दिवाली। मैडम मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपा के खिलाफ जो अलग अलग मामला अलग 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 जगह जो केसेस हैं, क्या हमारे आपके लीगल पैनल आपा के लीगल पैनल उन केसों को एक ही जगह क्यों नहीं जमा करके? इसके लिए रिट पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में, इंशाल्लाह उसकी भी डेट जल्दी पता चलेगी। लोगों में एक बात ये बहुत मतलब मैंने शक पैदा कर दी कि आपा की लीगल टीम कमजोर लग रही है, क्या ये इसमें कुछ हद तक सही है या गलत है? नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। लीगल जो प्रोसेस जो रहता है वो लीगल तरीके से ही होता है, कोर्ट का प्रोसीजर जो रहता है कोर्ट के तरीके से ही होगा। आप ऐसा बोलोगे कि जज को अभी PC देने से पहले ही बोलेंगे कि बेल दे दो, तो वैसा नहीं होता है। कोर्ट का प्रोसीजर कोर्ट के प्रोसीजर की तरह से ही होता है, PC होगा फिर JC होगा। आपकी लीगल टीम को क्यों नहीं पता चला कि बॉम्बे पुलिस उनकी PC के लिए हैदराबाद आई? उन्होंने जेल में जाके उनको लेके आए ना यहाँ पे? नहीं, कोर्ट के ऑर्डर से वो PC लेने आए थे ना, तो कोर्ट को ऑर्डर तो हमारे आपा की लीगल टीम को क्यों नहीं पता चली? पर्सनली थोड़ी ना आके हमारे को थोड़ी बोले, लीगल टीम को नहीं आके बोले उन्होंने कि हम उनको अरेस्ट करने वाले। वो जेल में गए, उनका जो प्रोसीजर था फुलफिल किए और वो वहाँ से लेके आ गए यहाँ पे। 8 नवंबर को क्या लगता है कि आपा की बेल की एप्लीकेशन फाइल होगी? पहले JC होगा उसके बाद बेल एप्लीकेशन। आप कहाँ से आए मैडम? हॉलीडे कोर्ट है तो शायद अपने जो आज रेगुलर जज है वो भी बैठ सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, इंशाल्लाह आज जो होगा देखा जाएगा। आप कहाँ से आए मैडम? होती है तो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। आप कहाँ से? मलाड से आए। कोई अपील पब्लिक से, इन्वेस्टर से? इन्वेस्टर से यही अपील है कि सब्र करो, सब्र करोगे तो देखिए बहुत सारे मैटर्स हम लोग भी चलाते हैं और देखे हैं प्रीवियसली, जितनी आप हड़बड़ी करोगे ना उतना मैटर बिगड़ता जाता है, तो सब्र करो इंशाल्लाह। देखो उनको नहीं देना होता तो इतने सालों से भी आप लोगों को रिटर्न्स नहीं मिलते हैं बराबर, तो अभी वो इंशाल्लाह उनकी यही नीयत है और उनकी बहुत साफ नीयत है कि उनको सबका पैसा लौटाना है, भले उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो देंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को उन पर पूरा भरोसा है, आप लोगों की उन पर पूरा भरोसा रखो, थोड़ा सा सब्र करो, वो बाहर आएंगे उनको चालू कर देंगे प्रोसेस विड्रॉल का। मैं तो ये अपील आप लोगों को करना चाहती हूँ इन्वेस्टर्स को कि मत निकालो, आपको बेनिफिट्स चालू हो जाएंगे इसके बाद, तो आप आपका पैसा उसमें रखो, आप लोगों को मिलेगा बेनिफिट। आप क्या करोगे, सब लोग एक साथ विड्रॉ करने जाओगे तो इनकी भी बैंक की विड्रॉल लिमिट्स जो है वो भी लिमिटेड रहती है, असेट्स बिकने में करने में टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा आप रखे रहो। आप जैसे अपना एप्लीकेशन मूव करोगे उस दिन से आपका बेनिफिट आना बंद हो जाएगा, आप एप्लीकेशन मूव करोगे कि बाबा हम लोग को विड्रॉ करना है तो उस दिन से, तो रखे रहो जब तक गाड़ी लाइन पे आ रही है, ट्रैक पे आ रही है, आप रखे रहो उसमें ताकि आपका बेनिफिट चालू रहे उसकी वजह से। हड़बड़ी में निकालने जाओगे तो सबको एक साथ नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से आपका बेनिफिट भी बंद हो जाएगा। तो आप लोगों से अपील है सब्र रखो, बात करो MEs है, क्योंकि MEs भी इतने डरे हुए हैं, लोगों ने मतलब उन पर डायरेक्टली अटैक ही करना शुरू कर दिया कि बाबा तुम बोलो, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पर्सनल कुछ नहीं है। हम लोगों ने इन्वेस्टरों ने जो डिपॉजिट किया है वो डायरेक्टली बैंक में गया है, कंपनी अकाउंट में गया है, उसमें MEs और उन लोग का कोई लेना देना नहीं है।
तो आप उन लोगों को परेशान मत करो, उल्टा उनसे सलाह लो, जाके पूछो कि अब क्या हो रहा है, अब क्या प्रोग्रेस है कंपनी में, तो इससे आप लोगों का बेनिफिट चालू रहेगा। समझ में आया मैडम? इन्वेस्टर लोग की एक बात और भी है कि आपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो इन्वेस्टर लोग को बहुत अच्छा लगता है। आपा कस्टडी में, लेकिन आपा के साथ वाले जो बाहर हैं, अगर वो मिलके एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्वेस्टर लोग को भरोसा देते या उनको एडवाइस देते या उनको तसल्ली देते तो बहुत अच्छा रहता है। वो क्यों नहीं हुआ? सिक्योरिटी रीजन है सबका अपना अपना। अभी लोग देखो आपा जैसे बाहर आए, इतने जोर से शोर गुल कर दिए, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग गए, तो ये सब जो एमईज है वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो दूसरे अक्यूज का नाम जो गया एफआईआर में, वो भी जिम्मेदार आदमी थे अपने मुंबई के, तो उनका भी अननेसेसरी नाम गया है, तो सब डरे हुए हैं, इसके लिए खुल के सामने नहीं आ रहे। तो आप लोग एक काम कीजिए ना कि आपके एरियाज में जितने जितने लोग हैं, उतने आप लोगों के एमईज के, मतलब आप लोग के ग्रुप बना लो, उसमें एक हेड को बोलो कि एमईज को जाके मिले, पर्सनली जाके मिले, क्या हो रहा है कंपनी में, कैसा होगा, हम लोग अभी विड्रॉल करेंगे तो कैसा रहेगा, रखेंगे तो बेनिफिट आएगा क्या, क्योंकि उनको बेटर नॉलेज है उस चीज़ का। तो मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगी कि आप लोगों को विड्रॉ का एप्लीकेशन इतने खाई में नहीं भरना चाहिए, आपको रखो, इंशाल्लाह बेनिफिट भी मिलेगा। और आपा को उससे, अगर आप लोगों को आपा से प्यार है तो आपा से उसको बहुत सारी मतलब बेनिफिट होगा। क्यों? तो वो टूटेंगी नहीं, उनका जो एम्पायर है उन्होंने इतना बड़ा बनाया है, उन्होंने इतने एफर्ट दिए उसके लिए, तो वो नीचे गिरेगा नहीं, वो और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने अभी इलेक्शन में आने वाले हैं, वो वही इसी वजह से वो बोल रहे थे ये सब सियासी है मैडम, इसके वजह से वो बोल रहे थे। आपने बताया था तेलंगाना से अपने कैंडिडेट उतारेंगे जी, तो अभी वो छूटेंगे तो बोले इंशाल्लाह, मैंने वो भी पूछी उनसे तो बोले इंशाल्लाह। अल्लाह को मुझे अभी भी है, अल्लाह का मुझे और ऊपर करना था, इसके लिए शायद मैं अरेस्ट हुई। देखो अरेस्ट होने के बाद भी वो पॉजिटिव सोच रहे, दूसरा इंसान टूट जाएगा अंदर, लेकिन वो पॉजिटिव सोच रहे कि अल्लाह को मुझे इससे और ऊँचा उठाना रहेगा, इसके लिए बोले मैं अरेस्ट हो गई। लेकिन मैं मेरे एमईज को और किसी को भी अरेस्ट होने नहीं दूंगी, मैं हर कोर्ट में अपील करूंगी कि मेरे एमईज, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके लिए मैं जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन गई थी तेलंगाना, हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में, वो खुद गए, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके उनके ऊपर आँच ना आए। तो जब आपके बारे में इतना सोच रही हूँ तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उनके बारे में ऐसा पॉजिटिव सोचे और विड्रॉल के लिए घाई मत कीजिए, तो आपका बेनिफिट भी चालू रहेगा इंशाल्लाह। एमईज से मिलिए तो आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे कि कंपनी में आगे क्या होगा।